बालब्रह्मचारी श्री सुनील जी शिवपुरी तेरह नौ 2019 रात्रि क्या करेगा, क्योंकि थोड़ा सा बैराग का प्रसंग लेकर और जो हमारा प्रकरण चल रहा था उस प्रकरण को आगे बढ़ा। अनित्य ही अनित्य है, असरण ही असरण है, संसार अनित्य है, असरण है, असार है। ये जानता हुआ बैरागी क्यों नहीं होता, उठना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि स्वरूप नित्य है, शरण है, सार है, ये नहीं जानता। ये तो देख है कि अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। अब कहां जाए कि भगवान आत्मा नित्य है? अरे संयोग और पर्याय आदि के ही अनित्य हैं। ऐसी जगरीति देखो, देख ना ही भयभीत होए। आह नरमूर तेरी मति कौन ने हरी है, मानुष जन्म पाए सोवते भी आए जाए, खोवते करोरन की एक एक घड़ी है। पंडित जी साहब लिखते हैं टोटरमल जी, इस पर्याय की थोड़े काल की स्थिति है और यहां मुझे सब योग बने हैं, इसलिए मुझे अपना हित कर लेना चाहिए। तो इस पर्याय की थोड़े काल की स्थिति है, तो इस पर्याय की ही थोड़े काल की स्थिति है, मेरी नहीं है। समझ में आया? घबराओ नहीं, भयभीत नहीं हो। पर्याय की थोड़े काल की स्थिति है, इन संयोगों की थोड़े काल की स्थिति है, लेकिन मेरी नहीं है। क्यों? मैं तो अनादि निधन द्रव्य हूं ना, और ऐसे अनादि निधन का जिन्होंने निर्णय किया है उनको निधन का भय नहीं लगता, अपितु वे धर्मात्मा तो मौत को स्वागत करते और कहते हैं कि मृत्यु आजा, मैं तेरा स्वागत करता हूं, मैं आज देखूंगा कि आचार्य महाराज ने जिसे मुर्दा कहा है वो मुर्दा मुर्दा कैसे होता है। मुझे चिंता नहीं है, जिसने अनादि निधन देखा उसको डर नहीं है। लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जाए, अथवा कोई साविया या लालच देनिया, जिसे मौत है उसको है मुझको क्या, मुझे तो नहीं वे पर मुझको है क्या, मेरा नाम तो जीव है जीव हूं, चिरंजीव चिरकाल चिरंजीव, जिसे मौत है उसको है मुझको क्या। ये ज्ञानी जो चैतन्य में बैठा हुआ है, वो चैतन्य में बैठा हुआ ज्ञानी, चैतन्य का जिसे निर्णय है, प्रतीति है,
उस ज्ञानी को कोई डर नहीं लगता, हमको कछु भय नाही जान दियो संता, हमको डर नहीं है। मृत्यु तो मुझे व्यभीत कैसे कर सकती। आप ही ने सुनाया सुबह तकलीफ सी दिख रही, उपवास किया, चलो पहले दिखा लाए कि नहीं तीन लोग के नाथ के सामने जाएंगे। इसका नाम है स्वाध्याय। पहले जिन पूजा, पहले जिन अर्चना, जिन आराधना, ये दृढ़ता कहां से आई, ये स्वाध्याय का फल है। बड़े पंडित साहब का उस दिन वाक्य आपको सुनाया था हमने, किसी भी परिस्थिति में आप यदि किम कर्तव्य मूड हो गए तो आपका स्वाध्याय निरर्थक है। अब क्या करें, ऐसा हमारे साथ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्या आनंद से दे छोड़ें। अब क्या करें, अब क्या करें, कैंसर हो गया अब क्या करें, ऐसा ऐसी बीमारी हो गई अब क्या करें, अब क्या करें, मैं शरीर ही हुए देखो, अरे अनित्य है, अब क्या करें, क्या नित्य को अनित्य देखो और नित्य को नित्य देखो, यह शरण है या सार है, जो अशरण है या सार है उसको वैसा देखो, मैं तो शरण हूं ना। जैसे अपने वो कलश बांच रहे थे कि धर्मात्मा संसार शरीर भोगों से विरक्त होता हुआ इस सिद्धांत को सेवता है, ऐसा हो गया इस पर्याय में बीमारी हो गई, रोग हो गया, तो मैं तो हूं ना, आत्मा कहता है मैं तो निरामय हूं ना, मैं तो नित्य हूं ना, मैं तो शरण हूं ना, मैं तो सार हूं ना, ये रोगादिक से मैं तो न्यारा हूं ना, मैं तो आश्रव का घातक हूं ना, मैं तो ज्ञान वैराग्य का जनक हूं ना, संबंध निद्रा का कारक हूं ना, अरे मुझको देख लोग क्यों डरता है, अरे इनको अनित्य को देखने से लोक में भ्रमण होगा और नित्य स्वरूप को देखने से लोकाग्र में वास होगा। ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, भगवान आत्मा कहता मैं तो हूं ना तेज सुलभ, मैं तो हूं ना धर्म रूप आनंद रूप। बारह भावनाओं को मार पाठ नहीं करो, पाठ तो करो ही, अंदर में घोलन करो। वैराग्य पावन माई चिंते अनुप्रेक्षा, ऐसे पढ़ो वैराग्य जाग जाए, आनंद जाग जाए, आनंद की कणिका जाग जाए और आनंद की वृद्धि हो जाए। वैराग्य अर्थात आत्मा की, आत्मा के आश्रय से प्रकट हुई ज्ञान आनंदमयी दशा, उसका नाम वैराग्य है। राग से रहित आत्मा को देखने लगे तो वैराग्य के प्रकरण से आपने शिक्षा ली। अनित्य को छोड़कर नित्य में आ जाओ, असरण को छोड़कर शरण में आ जाओ, असार को छोड़कर सार में आ जाओ, भिन्न को छोड़कर अभिन्न में आ जाओ, आश्रव के कारकों को छोड़कर के निराश्रवी में आ जाओ, संसार को बाहर के राग को छोड़कर संबंध निजराग तत्व को में आ जाओ, लोक को छोड़कर लोकातीत हो जाओ, ये सुलभ विषयों को छोड़कर जो आज तक चैतन्य में नहीं मिला दुर्लभ है उसको सुलभ बना लो, पाप रूप परिणति को छोड़कर धर्म रूप हो जा। बारह भावना है, समझ गए ना, बारह भावना है। अनित्य को ऐसे भाव के अनित्य अनित्य दिखने लगे और नित्य नित्य दिखने लगे। अनित्य भावना अकेली नहीं है, नित्य भावना है। वैराग्य की जननी अनित्य भावना नहीं, वैराग्य की जननी तो नित्य भावना है। अनित्य साथ से तो भय लगेगा, डर लगेगा, पर मैं नित्य हूं, शरण हूं, सार हूं, अपने से अभिन्न हूं, पर से भिन्न हूं, आश्रव का घातक हूं, संबंध निजरा का कारक हूं, लोकातीत हूं, मेरे से लोक, मेरे ज्ञान लोक में हूं, चिल लोक में हूं, सहज सुलभ हूं और धर्म रूप हूं। करम बात
पहले अनित्यता से शुरू होता है और धर्म में अंत में होती बार है भावना। तो अनित्यता असरणता सारता ऐसे भाव कि परिणति धर्म में हो जाए, शुद्ध उपयोग में। मात्र ऊपर से वाणी से पाठ करने से पुण्य बंद तो होगा, थोड़ी शांतता तो लगेगी, पर पंडित टोडरमल जी साहब कहते विशेष कार्य की सिद्धि नहीं हो। विशेष कार्य की सिद्धि का अर्थ है भेद विज्ञान की सिद्धि। अतः ये भाई सर्व से विरागी होते थे तो कुछ से तो विरागी हो जा, तू जरा तो उठ जा कि जहां बैठा है उस तक अग्नि आने वाली है। ये अग्नि में सब जल जाएंगे, परंतु मैं ऐसा जीता जागता चैतन्य हूं कि मुझे मौत रूपी अग्नि जलाने में समर्थ नहीं। जैसे वो मूल वृक्ष पर बैठा है ऐसे ही, लेकिन एक ज्ञानी यदि उस वृक्ष पर, वो जंगल में है, एक वैसा बैठा है और एक ऐसा कुछ वस्त्र पहन रखे हैं कि अग्नि छू ही ना पाए, ऐसे ही ये जो ज्ञानी है वो अनित्य संसार में दिखता है, परंतु उसको डर नहीं लगता है क्योंकि उसने नित्यता को देख रखा है दर्शन की। अतः ये भाई इस वैराग्य के प्रसंग से इन धर्मात्माओं की सहज ऐसी शांत जीवनों से पुरसार जगाए कि ऐसे परिणाम हमारे बने। दूसरा, अनित्यता को देख करके हम इस अनित्यता शरणता को छोड़कर शरण और सारभूत तत्व में आ जाए। आज से हम अपने लिए जिंदे रहे, बस एक ही संकल्प कर लें, हम जिएंगे बस अपने तत्व के लिए। इसे ही इन द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म को अग्नि में संस्कार पहले ही कर दो। ये चिता जले उसके पहले हम इसकी चिता जला दें ज्ञान में, ये मुर्दा है, हमें चिंता नहीं। अब मुर्दे के लिए नहीं जिएंगे, अब चैतन्य के लिए बार बार चैतन्य को आएंगे। ऐसी शिक्षा को ग्रहण करना। पांडवों का चरित्र हम बांच रहे थे, प्रसंग को अपन प्रारंभ करते हैं। जो हमारा प्रकरण चल रहा था दैनिक स्वाध्याय है ना, जो पांडवों के